23 साल के मनीष उतेकर की खुदकुशी कई सवाल छोड़ गई है। खुदकुशी के पहले मोबाइल में लिखे मैसेज में उसने अपनी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। मराठी में लिखे संदेश में मनीष ने लिखा है कि सावन शुरू होने से पहले की रात कोपरी पुलिस इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने उसे नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा और केस बनाया, जबकि वो सेना और पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस केस से उसका भविष्य खराब हो जाएगा ये कहकर उसने माफी मांगी और जुर्माना भरने की भी बात कही, लेकिन पुलिस उस पर कोर्ट में हाजिर होने का दबाव बनाती रही, जिससे डरकर वो खुदकुशी कर रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाने का मामला 16 जुलाई को हुआ था। पुलिस तब से उस पर कोर्ट में हाजिर होने का दबाव बना रही थी। कोई रास्ता नहीं निकलता देखकर 28 जुलाई को मनीष ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। अब उसके परिजनों और दोस्तों का आरोप है कि मौत के लिए ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार है, इसलिए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बोलतो आणि अजूनही आम्ही जाऊन रिक्वेस्ट, हमने माफी मांगी, विनती की, मनीष अकेले जाकर मिला तो भी नहीं माने, उस पर दबाव डाला, उसे डराने की कोशिश की, इसकी वजह से मनीष आज हमारे बीच नहीं है। त्याला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला। आज भी माझा लहान भाऊ गमावला आहे। आज मैंने अपना भाई खो दिया है। पुलिस विभाग से मेरी विनती है कि उन पर कानूनी कार्रवाई करें। कायदेशीर कार्रवाई केली पाहिजे। पुलिस का कहना है कि 16 जुलाई की रात तीन लड़के बिना हेलमेट बिना लाइसेंस शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए थे, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई की गई थी, उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। ड्रंक एंड ड्राइव के जो केसेस है ये नॉन कंपाउंडेबल केसेस है, इसका मतलब है कि ये हमको किसी भी तरह का कंपाउंडिंग की अथॉरिटी नहीं है, हमारे लेवल पे उसके ऊपर फाइन करने के अधिकार नहीं है, तो उसको हमको कोर्ट को ही भेजना पड़ता है और कोर्ट ही इस प्रक्रिया को पूरी कर सकती है। और इसके चलते ये जो उनका कहना था कि हमको बार बार उनको विनती कर रहे थे कि आप यहीं पे हमारा फाइन लो, हमको कोर्ट नहीं जाना है, ये उनकी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के वश में नहीं था, इसलिए जो कार्यवाही उस वक्त और उसके बाद में जो की थी वो उचित कार्यवाही। सेना और पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे मनीष का इस तरह खुदकुशी कर लेना दुखद है, लेकिन ये भी समझना होगा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है, क्योंकि इसमें इंसान सिर्फ अपनी जान जोखिम में नहीं डालता बल्कि सड़क पर चलने वाले हर इंसान की जान के लिए खतरा होता है। ठाणे से अनिल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।